हाँ बाबा बोलो। बेटा ठंड आ गई है, मेरे पोते के लिए गर्म कपड़े ले लिए पापा। और कुछ? और कुछ नहीं, तू अभी अभी पिता बना है ना, इसलिए सोचा बता। पापा मैं अभी बच्चा नहीं रहा, बड़ा हो गया हूँ। आपको क्या लगता है हा? सिर्फ आपको याद है बच्चे पालना? आज सब कुछ बहुत मुश्किल हो गया है, पहले जैसा आसान नहीं रहा। आपको क्या पता आज का पिता क्या होता है। मैं अभी बिजी हूँ, बाद में बात करते हैं, ठीक है। आज मेरा बेटा पूछ रहा है मुझसे ही क्या होता है पिता, मैं बताता हूँ। पिता वो होता है जो खाली पेट तुम्हारा पेट भरता है, बिना सोए तुम्हें सुलाता है। तुम अपनी जिंदगी जियो उसके लिए, हर पल खुद की जिंदगी भूल जाता है। पिता मकान को घर बनाता है, पैसे चाहे कम हो लेकिन अपना बटुआ पूरा दिखाता है। खुद के चप्पल खिस खिस के चाहे फट जाए लेकिन तुम्हारे लिए नए जूते जरूर लाता है। पिता तुम्हारी हंसी के लिए मरता है, तुम्हारी खुशी के लिए मरता है। तुम कामयाबी की सीढ़ी बेझिझक चढ़ो उसके लिए, हर रोज बस मरते ही जाता है। पिता कम बोलता है, गुस्सा होता है, सख्ती दिखाता है, डांटता है, मारता है, गिराता है, लेकिन उसके बाद संभालता भी है। पिता वो होता है जो घड़ी के कांटों की तरह सिर्फ चलते ही जाता है। तपती धूप में तुम्हें छांव दिलाता है, तुम्हारे आंसू पोंछ के अंदर के गम को खाता है। तुम्हारा डर दूर हो उसके लिए खुद का बहादुर रूप दिखाता है। और आज मेरा बेटा मुझसे पूछ रहा है क्या होता है पिता। आज एक बात मैं सारे बच्चों से कहना चाहता हूं कि जिंदगी सिर्फ दूसरा मौका देती है, दूसरा पिता नहीं। शायद तुम्हारे पिता भी ऐसे सोच रहे होंगे, एक बार उनसे बात कर लो। दिन के 24 घंटों में से सिर्फ 5 मिनट निकालो उनके लिए जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी तुम्हारे लिए निकाल ली। और मुझे ये पूरा यकीन है कि जब तुम उनसे बात करोगे तब अपने सारे दर्द भूल के सिर्फ एक ही चीज पूछेंगे कि बेटा तू खुश है ना।